वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आई हूँ पुणे के वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रैम्पोलिन थीम पार्क में, जिसका नाम है फ्लाइंग पांडा। ये कात्रज में है, तो यहाँ पर आने के लिए आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट या फिर प्राइवेट ट्रांसपोर्ट से आ सकते हो। यहाँ पर प्लेंटी ऑफ पार्किंग अवेलेबल है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि यहाँ अंदर क्या क्या फन एक्टिविटीज है एंड इसका कॉस्टिंग एंड मेरा खुद का यहाँ का एक्सपीरियंस। तो चलो चलते हैं अंदर। अंदर एंटर करते ही राइट में है रिसेप्शन काउंटर, फ्रॉम वेयर यू कैन बुक अ टिकट और फिर आपको अकॉर्डिंगली बैंड दिया जाएगा। यहाँ पर गेम जोन, ट्रैम्पोलिन पार्क एंड बोलिंग एली है, जिसमें से सबसे फर्स्ट मैं जाऊँगी ट्रैम्पोलिन पार्क में। फॉर ट्रैम्पोलिन पार्क हियर यू हैव टू कीप योर शूज एंड देन आपको ये ऐसे सॉक्स प्रोवाइड किए जाएंगे जो कि ग्रिप के लिए है, तो आपके पैर के साइज के अकॉर्डिंगली वो आपको मिल जाएंगे। तो ये सॉक्स पहन के जाएंगे हम अंदर। तो गाइज, ये है पुणे's लार्जेस्ट ट्रैम्पोलिन पार्क। यहाँ इतने सारे चीज़ें हैं करने के लिए, कहाँ से स्टार्ट करो समझ नहीं आ रहा था। मैं गई नॉर्मल ट्रैम्पोलिन पार्क पर और मेरे साथ एक गाइड थी उनकी, उनका नाम था योगिता। एज मेरा फर्स्ट टाइम था, तो सबसे फर्स्ट तो मुझे यहाँ प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस बताए गए कि कैसे जंप करना है, पैर फोल्ड नहीं करना होता है अदरवाइज क्रैम्प आ सकता है और बैलेंस छूट सकता है, तो ये सभी का यहाँ ध्यान दिया जाता है। सबसे फर्स्ट तो मैं बेसिक ही ट्राई कर रही थी, एक ब्लॉक ऑफ ट्रैम्पोलिन से दूसरे ब्लॉक में कैसे जाते हैं। यहीं पर एवरी वीकेंड हर दो दो घंटे में जुम्बा भी होता है, वे यू हैव टू बी इन अ ट्रैम्पोलिन ब्लॉक एंड फॉलो दी डांस स्टेप जो उनके गाइड यहाँ सामने करते हैं। इस एक्टिविटी में काफी ज्यादा मजा आया मुझे, बड़ों से लेकर छोटे सभी यहाँ डांस कर रहे थे। तो जुम्बा करने के बाद थोड़ा वार्म अप होके उसके बाद मैं गई थोड़ा आगे दूसरी एक्टिविटी करने, जिसमें इस रोप के नॉट पर पैर रख के स्विंग करना होता है और जैसे ही उनके गाइड आपको सिग्नल देते हैं यू हैव टू लेट गो ऑफ दैट रोप और आप ये स्पॉन्ज क्यूब के पिट में गिरते हो। ये मुझे सबसे बेस्ट लगा, यहाँ गिरने पर बिल्कुल भी कुछ फील नहीं होता है, तो उसमें अलग ही मजा है। बट सबसे डिफिकल्ट चीज है इसमें से बाहर निकलना। मुझे खुद को इसमें से बाहर निकलने में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा और कैसे कैसे करके मैं निकल गई। अब इसी की तरह इसके बाजू में एक और स्पॉन्ज क्यूब का पिट है। डिफरेंस एक ही है कि इस वाले पिट पे एक रोप हैंगिंग ब्रिज है, इसमें आप और आपका फ्रेंड एक दूसरे के साथ ये स्पॉन्ज स्टिक लेके बैटल कर सकते हो। और एज ये ब्रिज जो है वो एक हैंगिंग ब्रिज है, तो इस पर सीधा खड़ा होना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, ऑब्वियसली दोनों में से एक कोई ना कोई गिर ही जाता है। तो ऐसे ही गिरते पड़ते मैं गई यहाँ की नेक्स्ट एक्टिविटी करने, जो है डेयर ड्रॉप। और जैसे ही मैंने ये कुछ लोगों को करते हुए देखा मैं तो बहुत ही डर गई। ये एक्टिविटी में आपको यहाँ ऊपर के प्लेटफॉर्म से बैक के ऊपर गिरना होता है, बट ये जो एक्टिविटी है वो करने से पहले आपको एक स्मॉल टेस्ट देना होगा जो उनके गाइड ही नीचे लेते हैं। वो आपको नीचे से ये बैक पर गिरने बोलते हैं, तो अगर आपको नीचे से प्रॉपरली गिरने के लिए जम रहा है तो ही वो आपको ऊपर भेजते हैं। ये डेयर ड्रॉप से डर के मैंने तो ये एक्टिविटी किया नहीं, तो अगर आप यहाँ आके ये करते हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अभी बढ़ते हैं यहाँ से नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ, जो है हाई जंप। जैसे ही मैं हाई जंप ट्रैम्पोलिन के पास गई तो यहाँ पे उनके गाइड बहुत ही क्रेजी स्टंट कर रहे थे। उनके ये अमेजिंग स्टंट्स देखने के लिए सभी लोग यहाँ जमा भी हुए थे। ये जो स्टंटमैन है वो सिर्फ स्टंट्स दिखाते नहीं बल्कि सिखाते भी है, तो अगर आपको ये ऐसा स्टंट्स वगैरह करना पसंद है तो आप यहाँ आके इनसे ये स्टंट्स भी सीख सकते हो। इसके बाद टाइम आ गया एक और ग्रुप एक्टिविटी का, जो था डॉज बॉल। यहाँ पे यू कैन कम विथ योर गैंग और दो टीम में डिवाइड होके ये डॉज बॉल खेल सकते हो विद अ ट्विस्ट ऑफ जंपिंग ऑन अ ट्रैम्पोलिन। और वैसे ही इसके बाजू में एक और वैसा ही सिमिलर गेम है, जो है ट्रैम्पोलिन बास्केटबॉल, जिसमें आपको हाई जंप मार के ये बास्केट में बॉल डालना है। तो ये सभी गेम्स के बाद लास्ट सबसे थ्रिलिंग एक्टिविटी है ये बॉल पिट बाउंस, जिसमें आपको ये बड़े से लॉन्च पैड पर आपके दोनों हाथ सिर के पीछे रख के सोना होता है। और स्कैरियस्ट पार्ट ऑफ दिस एक्टिविटी इज जब यहाँ के गाइड जो है वो आपके पीछे के साइड जंप करते हैं, जो कि कब करते हैं इसका आपको कुछ अंदाजा भी नहीं होता, और जैसे ही वो जंप करते हैं आप इस बॉल पिट में हवा में उड़कर गिर जाते हो। अब ये सब के साथ यहाँ किड्स के लिए भी एक स्मॉल एरिया है टू प्ले सम गेम्स, तो आप आपके किड्स को भी यहाँ पर लेके आ सकते हो।
ये सभी में से मुझे तो सबसे बेस्ट लगा ये बॉल पिट बाउंस। तो अगर आप यहाँ पर आते हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपका इनमें से सबसे फेवरेट एक्टिविटी कौन सा था। अब आफ्टर ट्रैम्पोलिन पार्क, ये है यहाँ का गेम जोन एरिया। यहाँ आप आपके किड्स को लेकर आ सकते हो। मल्टीपल गेम्स है लाइक कार रेसिंग, बाइक रेसिंग, शूटिंग गेम्स, एयर हॉकी एंड मैनी मोर। और उसी के साथ यहाँ एकदम स्मॉल किड्स के लिए भी कुछ राइड्स है जहाँ वो एंजॉय कर सकते हैं। ये सब जो राइड्स एंड गेम्स है वो अलग से चार्जेबल है, जिसका रिचार्ज आपको काउंटर पर मिल जाएगा। तो यहाँ ट्रैम्पोलिन पार्क एंड गेम जोन के अलावा एक और फन ग्रुप एक्टिविटी है जो है बोलिंग। जैसे ही आप यहाँ एंटर करोगे तो आपको यहाँ पर आपके प्रॉपर साइज के बोलिंग शूज प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये शूज पहन के मैं तो गए बोलिंग करने। यहाँ पर टोटल 4 बोलिंग लेन्स है, तो आप आपकी गैंग के साथ यहाँ पे एंजॉय कर सकते हो। आफ्टर प्लेइंग सो मेनी गेम्स एंड एक्टिविटी, इफ आपको भूख लगी होगी तो देर इज अ कैफे जिसके लिए आपको ऊपर जाना है। एंड ये ऊपर जाने के जो कलरफुल स्टेयर्स है वो तो मुझे बहुत ही ज़्यादा फोटोजेनिक एंड बहुत पसंद आए, तो यहाँ पर आप फोटोज वगैरह क्लिक कर सकते हो। यहाँ इस कैफे में प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट्स है एंड मल्टीपल फूड आइटम्स अवेलेबल है। मैंने तो यहाँ के फूड की काफ़ी ज़्यादा तारीफ सुनी है, बट मैं ऑलरेडी खा के आई थी इसलिए मैंने यहाँ पर सिर्फ ड्रिंक ही टेस्ट किया था, विच वॉज रियली ऑसम। इस पूरे फ्लाइंग पांडा थीम पार्क की एक और चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई, विच इज़ यहाँ हर जगह कलरफुल लाइट एंड बैकग्राउंड में कंटिन्यूस म्यूजिक चालू रहता है, जिसकी वजह से यहाँ एक्टिविटीज़ करने में और भी ज़्यादा मज़ा आता है। बड़ों से लेकर छोटे हर किसी के लिए यहाँ कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ है। आफ्टर दैट यहाँ लॉकर्स अवेलेबल है फॉर योर लगेज, देन प्रॉपर क्लीन वॉशरूम भी है। ओवरऑल मेरा यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग रहा। ट्रैम्पोलिन पार्क का एक्सपीरियंस मेरे लिए फर्स्ट टाइम था, तो उसमें सबसे ज़्यादा एंजॉय किया मैंने। मल्टीपल एक्टिविटीज़ एंड इतना बड़ा होने के कारण कहीं पर भी इतने लोग होते हुए भी वेट करना नहीं पड़ा। मैं तो डेफिनेटली रेकमेंड करूँगी कि आप यहाँ पर आपके फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ ज़रूर विजिट करें। अब इसका कॉस्टिंग जो है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया है, तो वो चेक कर लेना। सो गाइस, ये है यहाँ के ओनर मिस्टर कुणाल, तो हम इनसे जानेंगे इस फ्लाइंग पांडा थीम पार्क के बारे में। तो आप क्या बताना चाहोगे कि ये आइडिया आपको कहाँ से मिला? फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रैवल विद तेजस्वी के व्यूवर्स को फ्लाइंग पांडा की तरफ से एक बड़ा सा वेलकम। और मैम, जो आपका क्वेश्चन है कि ये आइडिया कहाँ से आया, तो मैं पिछले 15-20 साल से इसी एरिया में रह रहा हूँ पार्टनर्स में, और मैं एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहा था कि यहाँ का जो 4-5 किलोमीटर रेडियस का एरिया है ना, हम लोगों को घूमने के लिए और फैमिली टाइम स्पेंड करने के लिए ना बहुत दूर ट्रैवल करके जाना पड़ता है। और उसके साथ में पूना में क्या हो रहा है ना, नॉर्मली ये जो ट्रैम्पोलिन का रेवोल्यूशन जो है ना, ये गुजरात में बहुत अच्छी तरीके से आया। तो मैं चाहता था कि इस पर्टिकुलर एरिया में भारतीय विद्यापीठ के नज़दीक, सियागढ़ कॉलेज के नज़दीक, कात्रज के नज़दीक ऐसी कोई जगह हो जहाँ पे सारे फैमिलीज आ सके, और सिर्फ इसी एरिया के नहीं, विमान नगर के, बावदान के, हिंजेवाड़ी की फैमिली वहाँ से यहाँ पे आए, ऐसे कुछ तो भी हम लोग तैयार करना चाह रहे थे। देन फाइनली वी केम अप कि एक अच्छा थीम पार्क बनाते हैं जिसमें एक छोटा बच्चा जो 2.5 साल का है, 2 साल का है, वो भी एंजॉय कर सकता है, टीनेजर्स वो भी एंजॉय कर सकते हैं, एक कपल जैसे आप हो आप भी एंजॉय कर सकते हैं, और पूरा का पूरा फैमिली जिसमें दादी माँ भी आके खेल सकती है। तो हमारे यहाँ पे आप देखोगे तो बॉलिंग एले है जहाँ पे टीनेजर्स को बहुत पसंद आता है आजकल, वीडियो गेम्स है, गेम पार्लर है जहाँ पे बच्चे बहुत अच्छे से खेलते हैं, और ट्रैम्पोलिन पार्क पूरे पुणे का सबसे बड़ा ट्रैम्पोलिन पार्क हमारे यहाँ पे है। और हमने क्या किया है मैम, बिफोर इनिशिएटिंग विद दिस पर्टिकुलर प्लान, हम लोगों ने काफ़ी स्टडी किया, हम लोग चाइना में गए, हम लोग गुजरात में जहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रैम्पोलिन पार्क है पूरे इंडिया में, वहाँ पे गए, दिल्ली गए, और हमने ये आइडेंटिफाई किया कि लोग ट्रैम्पोलिन पार्क में जाने के बाद में सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ें इंजॉय करते हैं, और हमने इंश्योर किया कि वो सारी चीज़ें हम लोगों को यहाँ पे ला के दे दें। और आप अगर रेट्स भी देखेंगे ना, तो पूरे पुणे में जो बाकी के ट्रैम्पोलिन पार्क है उनसे हमारे रेट्स भी कंपेरेटिवली बहुत लेस है, जगह भी बहुत बड़ा है, स्पेशियस भी। बहुत ही बड़ा ये ट्रैम्पोलिन पार्क है। थैंक यू सो मच। सो गाइस, आई होप आपको इसकी सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, तो मैं तो डेफिनेटली रेकमेंड करूंगी कि आप इस थीम पार्क पे आए एंड यहाँ पे एक अलग एक्सपीरियंस जो है उसका फील ले। सो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू।
गाइस ये था पुणे का वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रैम्पोलिन थीम पार्क फ्लाइंग पांडा। मुझे तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, काफ़ी सारे फन एक्टिविटीज किए मैंने यहाँ पर। मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप अपने फैमिली के साथ यहाँ पर डेफिनेटली विजिट करें एंड आपका एक्सपीरियंस मेरे साथ कॉमेंट में ज़रूर शेयर करें। एंड उसी के साथ आई होप आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करना ताकि जब भी मेरा न्यू वीडियो आएगा आपको उसका नोटिफिकेशन जो है वो आ जाएगा। By that time, keep traveling with Tejasvi.